तो गुड मॉर्निंग गाइज, आज डे तो हमारे आई थिंक 5th या 6th होने वाला है, अब याद भी नहीं क्योंकि बहुत दिन हो गए यहाँ फंसे हुए। तो मॉर्निंग का व्यू कुछ ऐसा है, बादल है, क्लाउडी है, मगर बारिश नहीं है बिल्कुल भी नहीं। और जिस पॉइंट में हम जा रहे हैं उस पॉइंट में बहुत अच्छा मौसम दिखाई दे रहा है, आप देख रहे हो स्काई ब्लू है पूरा हुआ हुआ। तो हमारा आज का लांगजा का है और वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस, वहाँ का हमारा रूटीन है कि आज हम वहाँ जाएंगे। तो अभी ये देखो, ये समर है, मेरे साथ GRV है, हिमालयन और एवेंजर है। तो हम लोग सोच रहे कि वहाँ का कवर करके आए, बाकी क्योंकि आज रोड आई थिंक 4 o'clock तक ओपन हो ही जाएगी, तब तक हम बोर हो जाने थे, मौसम साफ है, तब हमने सोचा क्यों ना हम फिर थोड़ा और एरिया कवर कर ले। तो आज आपको दिखा दिए हम लांगजा और उसके साथ जो पोस्ट ऑफिस लगता है हिकिन वो वाला और कुछ वहाँ का और भी। तो अभी ये देखिए, शक्ल भी कुछ ऐसी होगी कि नहाए धोए नहीं, दो दिन से लाइट ही नहीं है, सर्किट हाउस में ठहरे हैं और लाइट नहीं है, तो लाइट की वजह से मुंह धोना ही हुआ है। फिलहाल आपको आज फिर से एक नए एडवेंचर पे ले चलते हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल यूनिक अलग सबसे लोकेशन का, ठीक है, चलो फिर। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं लांगजा। तो वो देखिए, वो सामने बाइक लग गई है हमारी, वहां से हम नीचे उतरे, थोड़ा सा नीचे उतर के है क्योंकि, और आप यार 360 व्यू देखो यार, क्या जबरदस्त है। और उस साइड तो आसमान नीला हो गया है, मतलब बादल सारे हट गए हैं। और अब हम पहुंचने वाले जो लांगजा में फेमस है, बहुत बड़ा स्टैचू है महात्मा बुद्ध का, वो है ये सामने। अभी आगे मैं ले जा रहा हूँ आपको उसी पॉइंट पर, आगे चलते हैं। तो गाइस, इस टाइम हम कितनी एल्टीट्यूड में है मैं आपको दिखाता हूँ। एल्टीट्यूड 14,300 feet। यहाँ पे अगर जे ऑक्सीजन, किसी को अगर जे प्रॉब्लम है तो ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है ही वैसे यहाँ थोड़ी थोड़ी, हमें तो नहीं क्योंकि हमें हिमाचली, हमें हर वेदर सूट हो जाता है। बाकी आप इंजॉय करो वीडियो यार, मुझे तो यहाँ रह के बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है, जैसे ही मैं यहाँ पहुँचा फील ही कुछ और हुआ। तो लांगजा का नाम ही सुना था, लांगजा जब बोलते तो लगता है कि लांगजा कुछ वैसा ही लांगजा है, बहुत ही हाइट पे और बहुत ही ठंडा। गाइस फाइनली यहाँ पहुँच गए हैं, हाईएस्ट विलेज इन द वर्ल्ड कॉमिक, जिसकी एल्टीट्यूड है 4,587 meters समुद्र तल से। बहुत ही हाइट पे ये विलेज है और बहुत ही ज़्यादा ठंड भी है, यहाँ पे ठंडी हवाएं चल रही है, आप देख रहे होंगे मेरे इर्द गिर्द तो जितनी भी पहाड़ियाँ दिख रही है आपको सब वाइट की वाइट है। यहाँ पे बर्फ अभी समर टाइम में इतनी पड़ती नहीं है, विंटर टाइम में ये बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ से ढका होता है। और इस टाइम है हम हाईएस्ट, वर्ल्ड हाईएस्ट विलेज पे, यहाँ पे लोग सरवाइव कर रहे हैं, बहुत ही मतलब हैरानी होती है, रोमांच भरा सफ़र था हमारा और हाइट पे यहाँ पे लोग सरवाइव कर रहे हैं, तो बहुत ही बड़ा देख के बहुत ही ज़्यादा मतलब शॉक्ड रह गए हम यार, मतलब कैसे लोग सरवाइव करते हैं। और मज़ा भी उतना ही आ रहा है कि हमारे लिए बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है कि हम वर्ल्ड के, ये एशिया के नहीं, ये वर्ल्ड के हाईएस्ट विलेज में आता है गाइस।
और मोटरेबल रोड है यार, आपका हाईएस्ट वर्ल्ड इन हाईएस्ट विलेज इन वर्ल्ड, ये गांव वर्ल्ड में काउंट किया जाता है। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। हाँ, और यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है गाइस, अगर जे आपको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है, सांस अगर आप थोड़ा सा भी रन करोगे दौड़ोगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन कम बढ़ जाती है। तो चलो अब आगे देखते हैं मोनेस्ट्री। तो गाइस फाइनली हम पहुँच गए हैं कॉमिक लास्ट विलेज, तो बहुत ही हाइट पे है और हमारी बाइक से लग चुकी है। एवेंजर को मैं ड्राइव कर रहा था, काफ़ी मज़ा आ रहा था, मैंने काफ़ी टाइम से एवेंजर ड्राइव किया और बहुत ही मज़ा आ रहा था। और गाइस व्यू देखो यार आप, क्या व्यू है, पीछे पहाड़ देखो बर्फ़ से भरे हुए और ब्लू स्काई। तो हम पहुंच गए हैं कॉमिक की उस मॉनेस्ट्री में जो बहुत ही पुरानी है, और आप ये देख सकते हो पीछे बिल्डिंग है, स्ट्रक्चर ये बहुत साल पुरानी है और इसके इंफ्रास्ट्रक्चर से आपको लग रहा होगा पता ये कितना पुराना है। तो फाइनली अब आ चुके हैं हम और करते हैं एक्सप्लोर सीखो और कॉमिक का। मॉनेस्ट्री के अंदर जाके बहुत ही शांति का एहसास हुआ। अंदर दलाई लामा जी की फ़ोटो लगी थी और लकड़ी के इन बॉक्स के अंदर भगवान बुद्ध और बहुत सारी प्रतिमाएं थी जो कि काफ़ी सुंदर और अट्रैक्टिव दिख रही थी। और एक हमें दिखा यहाँ पे अखंड ज्योत जो 24 आवर चलती है। और आगे हमने कुछ देखा कि यहाँ पे बहुत ही पुरानी मूर्तियाँ भी हमें मिली जो काफ़ी पहले यहाँ पे स्थापित की गई थी। मॉनेस्ट्री के साथ ये था प्रेयर रूम और यहाँ पे जो ये मंत्र बोले जा रहे हैं ये हमें बाहर सुनाई दे रहे थे और
अट्रैक्ट कर रहे थे। जब हम यहाँ आए तो हमने बहुत सी चीज़ें देखी, जैसे ये कुछ यहाँ पे और दीवारों में बहुत ही ब्यूटीफुल पेंटिंग्स और पोस्टर साइज कुछ आकृति बनाई गई थी। तो हमने फिर थोड़ा और एक्सप्लोर किया, जैसे किचन, ये बहुत ही पुराने किचन है, जो कई हजारों साल पुराने किचन है, जहाँ पहले कभी खाना बनाया करते थे। इस प्रे रूम के साथ 10 से 20 रूम्स थे जहाँ पे बहुत भिक्षु रहा करते हैं। और अब हम मंदिर में अंदर से दर्शन करके चल दिए फिर से वापस गाज़ा को। और बहुत ही अच्छा और शांति का एहसास हुआ अंदर प्रे रूम में जब मंत्र बोल रहे थे। यहाँ से मन नहीं कर रहा था जाने को, और जो उसकी खूबसूरती थी वो आपके सामने क्या ब्याह करूँ, बहुत ही खूबसूरत मॉनेस्ट्री थी। यार बहुत ही रोड ख़राब था, तो हमने बाइक यहीं लगा दिया। जो वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है उसके लिए हमने सोचा हम थोड़ा सा पैदल चल पड़ते हैं, तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि बाइक बहुत घूम रहा और मिट्टी ऐसी है कि उस पर अभी कुछ भी नहीं गया। तो फ्रेश रोड पे हम ही जा रहे थे, हमने सोचा कि यार इससे अच्छा है कि पैदल ही चल पड़ते हैं। फिर आप चल पड़े, चलो देखते हैं। रोड तो बहुत ही ज़्यादा घूम फिर हो रही है, वहाँ से पार से आएंगे फिर नीचे को, हम सीधा पहाड़ी है ना, उतर से चढ़ने में तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर ले चले आपको पोस्ट ऑफिस। हम आ चुके हैं पोस्ट ऑफिस हाईएस्ट, सबसे ऊंचाई पर स्थित पोस्ट ऑफिस सर्विस मिल रही है। तो बहुत ही मज़ा आया यहाँ तो पढ़ने। और यहाँ का नाम हिकम है, वेलकम टू हिकम। बहुत ज़्यादा रोमांचक रोड था, आपने देखा ही होगा भाई पीछे बहुत स्किट हो रही थी बाइक। फाइनली हम पहुँच चुके हैं। फाइनली हिकम पोस्ट ऑफिस हम पहुंच गए हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया इस जर्नी में, और हमने घूमने के हम लोगों ने भी और मैंने भी यहाँ से एक पोस्ट कर दिया अपने गांव के एड्रेस पे एक पोस्ट का। अब देखते हैं कब तक मुझ तक पहुँचते हैं, ठीक है। देखते हैं कब हमारे घर आ रहे, चलो हम पहुंच गए गाइज हिकम पोस्ट ऑफिस, और हमने पोस्ट कर दिया अपने घर के लिए एक पोस्ट कार्ड। अब देखते हैं वो कब मेरे घर पहुंचता है, ठीक है। अब चलते हैं आप घर को। तो गाइस बेफालतू का पंगा ना लीजिए, नहीं तो फिर ऐसे हाथ हो जाते हैं। जब
बस में ना हो, वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस के लिए ये आसान नहीं है जाना, ऐसा भी होता है। तो गाइस, अब जब मौसम साफ़ हुआ है, सूरज देवता जी ने जब अपने दर्शन दिए, तो मौसम आप देख सकते हो कि मौसम अलग ही हो गया है। और जब मानसून के बीच जब धूप खिलती है, सूरज देवता की तेज़ धूप खिलती है, तो बात ही कुछ और होती है यार।